उत्तर प्रदेश योगी सरकार में नहीं हुआ बेसिक शिक्षा में सुधार। ठेकेदारी व्यवस्था के हितैषी योगी सरकार के स्कूलों में अनियमितताओं का भंडार। सरकारी प्राथमिक स्कूलों को कंपोजिट करने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कर पा रहा है सुधार। आज भी प्राइमरी कंपोजिट स्कूलों में कई कक्षाओं के बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर। शासन के आदेश के अनुपालन में स्कूल के बच्चों को नहीं मिल रहा है MDM। राजनगर लोहामंडी कंपोजिट विद्यालय इसका प्रमाण बना हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजराज की लापरवाही का खामियाजा गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गुणवत्ता की बात करने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के सापेक्ष शिक्षक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य अंधकार में दिखाई देता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी लाखों की तनख्वाह पाकर मौज मार रहे हैं। राजनगर लोहामंडी कंपोजिट विद्यालय में बच्चों से जब बात की गई तो यह बात सामने आई कि MDM मीनू के अनुसार बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आधे से तो बुधवार को मिलने वाला दूध बच्चों को लंबे समय से नहीं मिल रहा है। जय किसान। स्कूल का नाम पता? कौन सी जगह है ये? जी राजनगर। राजनगर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? सिक्स। सिक्स में। आज कौन सा दिन है? आज। अच्छा, आज वैसे तो बुधवार है, तो दूध आज को MDM में क्या मिला था? खीर खिचड़ी। दूध मिलता है? नहीं। कब से दूध नहीं मिला? बहुत दिन हो गए। क्या नहीं मिला बहुत दिन से? दूध नहीं मिला। पहले दलिया आता था, बहुत चीज आती थी, अब आने वाले नहीं। अब क्या आ रहा? अब दाल रोटी चावल और खीर और खिचड़ी। किताबें मिल गई? हाँ। ठीक है। पूरी किताबें मिली है? कुछ काम मिली है? पूरी मिली। परी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में हो। कब से यहाँ पढ़ रही हो? पाँच साल से। ये स्कूल का नाम पता है आपको? नाम का ही पता है। अच्छा, हेड मास्टर का नाम पता है? मैडम का? मैम का, मैम ही कहते हैं। अच्छा, नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं मालूम आप लोगों को? चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, MDM मिलता है यहाँ? खाना मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? सब्जी। आज कौन सा दिन है पता? नहीं पता। चलो मैं बताऊँ, आज बुधवार है। क्या क्या खाने को मिला था आज? आज खीर खिचड़ी। खीर दूध नहीं मिलता? कब से दूध नहीं मिला? तुम्हारा भी नाम परी है? अरे वेरी गुड, बहुत परी है यार। कौन सी क्लास में बैठा? फिफ्थ में। कब से हो इस स्कूल में? तीन साल से। स्कूल का क्या नाम है? ओके। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ? तीन साल से। किताबें मिल गई? सारी किताबें मिल गई? पैसे देने पड़ते किताबों के, कॉपियों के? अच्छा, खाने को यहाँ मिलता है कुछ? क्या क्या मिलता? इधर देखो, केला वगैरह सब चीज। अच्छा, दूध नहीं मिलता? कब से दूध नहीं मिलता? कब पहले कब मिलता था दूध? तुम्हारे सामने कभी दूध मिला है? तो बच्चों, आज दूध मिला है या नहीं मिला? कब से दूध नहीं मिल रहा है कोई पता है? काफी साल से नहीं मिला। ठीक है, चल। प्राइमरी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की माने तो नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है। मजबूरन कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बराबरी करने का दम भरने वाले एवं विकास के पथ पर सवार उत्तर प्रदेश आगरा के प्राइमरी सरकारी स्कूल के बच्चे योगी सरकार में जमीन पर बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि कम संसाधनों में बेहतर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम स्नेहलता कुलश्रेष्ठ है। कौन सा स्कूल है और क्या है आप? कंपोजिट विद्यालय राजनगर है। मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधान अध्यापक। कब से आप यहाँ इंचार्ज अध्यापक? मैं यहाँ इंचार्ज जब से कंपोजिट हुआ है, पिछले साल से। बच्चों का कहना यह है कि बुधवार को जो दूध की एक व्यवस्था है स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो दूध? दूध पहले आता था, लेकिन फिर दूध के पाउच की समस्या रही दूध की, तो इसलिए वो दो दिन खीर देते हैं, बुधवार को और शुक्रवार। तो इस बात के लिए आपने विभाग में BSA विभाग में AD में हमने AD साहब के यहाँ बताया था कि खीर आती है जी, तो इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया कि दूध दें अच्छी क्वालिटी का, जैसे शासन के आदेश है। कौन यहाँ खाना देता है? MDM कौन देता है यहाँ? अक्षय पात्र से आता है। अक्षय पात्र से आता है, तो उनसे कहानी है कि भाई व्यवस्था नहीं, हमने कहा था तो बोले कि हमारी बात हो गई है। लगभग बच्चे 400 पंजीकृत हैं जी, और डेली की अटेंडेंस 200
200 है के करीब रहती है। तो स्टाफ में कौन कौन है आपके पास? स्टाफ में एक मैं हूँ और दो शिक्षा मित्र हैं, जिसमें से एक शिक्षा मित्र मैटरनिटी लीव पर चली गई। चलिए, इसका मतलब एक शिक्षा मित्र एक आप रह गए, दो स्टाफ हैं। तो जिस तरह का जो नियम है शायद 25 या 30 बच्चों पर एक, तो कितना पर्याप्त मानते हैं ये स्टाफ आपके लिए? कम से कम 10 टीचर तो होने ही चाहिए। 10 टीचर होने चाहिए। तो इसलिए आपने शिकायत की बीएसए से? जी। क्या है बीएसए का रवैया क्या है? स्टाफ नगर क्षेत्र में टीचर्स की कमी है जी, जब टीचर्स आ जाएंगे जी तब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये किसने कहा है प्रोवाइड कराने के लिए कि जब आ जाएंगे? अभी तो हम एप्लीकेशन देके आए हैं। ठीक है, तो अभी तो हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं है। कब एप्लीकेशन दी थी आपने? मैंने अभी लेटेस्ट 20 तारीख को ही दी है। 20 तारीख को ही दी है जी। तो कैसे फिर बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है? जैसे 400 में से आप बता रहे हैं 50% बच्चे आ जाते हैं लगभग, तो कैसे पढ़ाई हो पाती है फिर बच्चों की? पढ़ाई तो कैसे होगी आप सोच सकते हैं, ये तो गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्ता कैसे आएगी आप बताइए? हम तो लेकिन नहीं, कैसे आएगी जब टीचर्स नहीं है, एक टीचर है तो एक टीचर किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ा लेगा? मैं वीरेश कुमार प्रधानाध्यापक प्राथमिक डिप्टी अफिसर। कितने बच्चे पंजीकृत हैं आपके स्कूल में आ रहे हैं? इस समय 110 बच्चे पंजीकृत हैं और जिसके सापेक्ष आज 65 बच्चे पढ़ सकते। स्टाफ की अगर बात करें तो इतने पंजीकृत स्टाफ पर्याप्त है या नहीं? स्टाफ तो पर्याप्त नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा मिल सके। कितने बच्चे मतलब कितने शिक्षक होने चाहिए और कितने हैं? हमारे यहाँ 4 पद स्वीकृत हैं, जिसमें के 2 पद हमारे यहाँ पर भरे हुए हैं, एक में हेड हूँ, एक जो सहायक अध्यापक हैं, उस समय 11 पद का कार्यक्रम, दो शिक्षा मित्र। MDM कितने बजे दिया जाता है बच्चों को? MDM सुबह 9:45 तक आ जाता है, अच्छा खासी MDM आता है जी। और जिसका के 11 बजे लंच होता है जी, 10 मिनट का सब का, और 11:30 बजे का लंच होता है। तो जो MDM में एक मेनू बना हुआ है उसके आदेश के अनुपालन में अक्षय पात्र आपको MDM उपलब्ध करा रहा है या कुछ अपनी मर्जी से उपलब्ध करा है? नहीं, वो उसी हिसाब से जैसे शासन निर्धारित है वो मेनू के अनुसार ही आता है। हाँ, कभी कभार कभी जैसे स्कूल एक दो दिन छुट्टी बात होंगे तो उस तक कभी चेंज हो जाए, वैसे चेंज होता है। अच्छा, तो जैसे आज बुधवार है, विशेष तौर से आपके मेनू में हमने देखते हैं कि दूध और वो भी बॉइल किया हुआ बढ़िया क्वालिटी का एक गिलास दूध बच्चों को शासन का आदेश है, स्वस्थ बच्चे हैं। क्योंकि अच्छे पास वहाँ वृंदावन लगा, वहाँ से दूध की सप्लाई तो नहीं हुआ, जैसे खीर और खिचड़ी का हमारा प्रावधान। सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजराज सिंह पर बीएसए के अलावा नगर क्षेत्र आगरा, शमशाबाद और जैतपुर कला 3 ब्लॉकों में बीओ की जिम्मेदारी का भार है। इस स्थिति में बेसिक शिक्षा में कितना सुधार होगा यह कोई भी समझ सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।